Yosh. हेलो पापा। हेलो बेटा, कैसे हो? बहुत अच्छी हूँ। इनफैक्ट मैं आपको फोन करने ही वाली थी, इतने में आपका फोन आ गया। इसे कहते हैं टेलीपैथी। उधर तुम मेरे बारे में सोच रही थी और यहां मैं सोच रहा था कि तुमसे बात कैसे की जाए। बेटा, बहुत अच्छा लगा तुम्हारी चहकती हुई आवाज सुनकर। बोलो बेटा, कैसे याद किया पापा को? पापा, याद तो हम उन्हें करते हैं जिन्हें कभी भूलते हो। आप तो मेरे पिता हैं, मेरे जीवन का वो अहम हिस्सा है जिसके बिना ये जीवन संभव ही नहीं होता। खैर, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि दाई अम्मा ने फिर से गोद भराई की रस्म रखी है। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुमने साहिल को इन्फॉर्म किया कि नहीं? उनसे बात करने के बाद ही तो रखी है। इनफैक्ट दाई अम्मा कह रही थी कि इस बार उनके आने के बाद ही सारी तैयारी करेंगे। बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं खुद वहां जाकर साहिल को अपने साथ लेकर आऊंगा। आप साहिल के पास आएंगे? आप दोनों के बीच तो देखो बेटा, जिस घर में दो बर्तन होते हैं वहां खटपट की आवाज तो आती ही रहती है। वैचारिक मतभेद किस घर में नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बेटा कि आपसी रिश्ते ही बिगड़ जाए। थैंक यू पापा। बेटा, इसमें तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, तुम मेरी इकलौती बेटी हो, साहिल की पत्नी हो। देखो बेटा, साहिल के साथ तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी खुशियां, सब कुछ जुड़ा हुआ है। अब तुम ही मुझे एक बात बताओ कि मैं अपने इकलौते दामाद के साथ रिश्ता बिगाड़ के जाऊंगा तो कहां जाऊंगा भाई? पापा, मैं चाहूंगी कि आप जब वहां जाएं तो साहिल से पायल के बारे में कोई बात मत करिएगा। तुम फिक्र मत करो बेटा, मुझे इतना सेंस है। भाई, जो टॉपिक मेरी बेटी को, मेरे दामाद को, खुद मुझे अच्छा नहीं लगता, उसे अवॉइड करना ही ठीक होगा। अच्छा बेटा, मैं जरा जल्दी में हूं, एक मीटिंग में जाना है, फौरन से कुछ डेलीगेट्स आने वाले हैं। ठीक है, बाय। ओके पापा, बाय। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। ओह, गुड मॉर्निंग। प्लीज बैठिए। आप कैसी तबीयत है पायल की? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, पायल की हालत तो पहले से ज्यादा बिगड़ चुकी है। पहले तो वो होश में नहीं थी, लेकिन अब तो अतीत में चली गई है। डॉक्टर साहब, अजीब अजीब सी बहकी हुई सी बातें कर रही है। मुझे अपना पुराना भूला हुआ प्यार सागर समझकर मुझसे ऐसे बातें कर रही है जैसे मैं ही सागर हूं। व्हाट्स रॉन्ग विद हर? दरअसल पायल साइकोमा की शिकार हुई है। साइकोमा? ये कौन सी बीमारी है डॉक्टर साहब? आपने देखा होगा कुछ दिन पहले टीवी पर एक समय की मॉडल को जो अजीब सी बातें कर रही है। लोग समझते हैं कि वो पागल है, पर ऐसा है नहीं। लेकिन जहां तक मुझे याद है, वो मॉडल तो ड्रग्स लेती थी और मेरे ख्याल से ड्रग्स की अधिक डोज की वजह से ही उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। लेकिन डॉक्टर साहब, पायल तो ड्रग्स लेना दूर, उसके उसके करीब तक नहीं गई कभी जिंदगी में, तो फिर उसके मानसिक संतुलन बिगड़ने की क्या वजह हो सकती है? दरअसल हमेशा ड्रग्स की वजह से ही मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ता, ये तो केवल एक धारणा है। इसकी कई वजह हो सकती है, जैसे ओवर स्ट्रेस, डिप्रेशन, अनिद्रा और एडवांस स्टेज ऑफ एपिलेप्सी। लेकिन इसमें होता क्या है एग्जैक्टली डॉक्टर साहब? ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से केमिकल डिसबैलेंस हो जाता है और इंसान अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। जिसमें मरीज या तो अपने अतीत में चला जाता है या अपनी काल्पनिक दुनिया बना लेता है और उसी को ही अपनी हकीकत समझने लगता है। डॉक्टर, लेकिन इसका कोई ना कोई तो इलाज होगा ना? है ना, पर ये एक दिमागी प्रॉब्लम है जिसमें दवाई से ज्यादा लोगों का व्यवहार मायने रखता है। मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर साहब। ऐसे पेशेंट के साथ बड़े ही धैर्य से और सहानुभूतिपूर्वक और प्यार से पेश आना पड़ता है और एक बच्चे की तरह इनको हैंडल करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो मरीज के पागल होने का खतरा भी बना रहता है। प्लीज डॉक्टर साहब, ऐसा ना कहिए। मैं पायल को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। मिस्टर साहिल, पायल इस वक्त बीमारी की शुरुआती स्टेज पर है, बड़ी नाजुक दौर से गुजर रही है। ऐसी हालत में उसे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार भी आप होंगे।
जल्द सही नहीं हो जाती मुझे सागर बनकर ही रहना होगा। चुटकी, हम कहाँ आ गए? कहीं नहीं, हम यहीं रहते हैं। नहीं नहीं, हमारा घर थोड़ी यही है। हमारा घर तो छोटा सा था गांव में, और इतने बड़े शहर में नहीं था। पर अब हम इसी शहर में रहेंगे। क्यों? क्योंकि साहिल जी जो चाहते हैं कि हम उनके साथ उन्हीं के घर में रहें। चुटकी, पायल की दवाई का टाइम हो गया है, थोड़ा पानी गुनगुना करके ले आना। जी मौसी। साहिल कौन है? चुटकी ने तो मुझे नहीं बताया। जब भी कोई ऐसी बात पूछनी हो तो मुझसे पूछ लिया करो। पायल बेटी, साहिल ही तुम्हारा सागर है, पर इस शहर में आकर उसने अपना नाम साहिल रख लिया है। उनसे तो मैं मिली भी थी। मिलोगी क्यों नहीं? जब उसके साथ इसी घर में रह रही हो तो उसे क्यों नहीं मिलोगी? पर जब मैंने सागर से पूछा हम शादी कब करेंगे तो उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? वो इसलिए क्योंकि आदमी सिर्फ एक ही बार शादी कर सकता है, और उसकी शादी हो चुकी है। नहीं नहीं, मेरा सागर सिर्फ मेरा है। वो किसी और से शादी कैसे कर सकता है? वो किसी और का कैसे हो सकता है मौसी? वो सिर्फ मेरा है ना बेटा। उसकी शादी तुम्हारे साथ हुई है, और जब एक बार शादी हो चुकी है तो दोबारा वो तुम्हारे साथ शादी क्यों करेगा? यानी वो मेरा सागर है, साहिल नहीं ना? हाँ हाँ, वो तुम्हारा ही सागर है, तुम्हारा पति, और इस घर पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारे पति पर भी। तुम इस घर की लक्ष्मी हो बेटा। अंदर आइए, दरवाजे पे क्यों रुक गई? कश्मकश अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। आपको इस तरफ आने की आदत नहीं है ना, इसलिए। मगर आप आदत डाल लीजिए, क्योंकि आदित्य और पूर्वा के जाने के बाद आपको इसी तरफ तो रहना है। तुम्हारा व्यवहार मेरी समझ में नहीं आता काम्या। कल तक तो तुम हमारी दुश्मन थी, और आज सर छुपाने के लिए छत दे रही हो। देखिए, दुश्मनी अपनी जगह है और रिश्ते अपनी जगह। आप पर मेरी माँ के कत्ल का इल्जाम है, और अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो वो मेरा दुश्मन होता। पर एक सच ये भी है कि आप उम्र में मेरी माँ के समान हैं, और मेरे पति की नानी माँ है, तो इस रिश्ते से मुसीबत में आपका साथ देना मेरा फर्ज बनता है। रिश्ता तो पहले भी था, फिर अचानक आज तुम्हें कैसे याद आ गई? कभी कभी तो शक होता है कि कहीं तुम कोई खेल तो नहीं खेल रही। चलिए मान लीजिए कि मैं खेल खेल रही हूं, लेकिन आप भी तो कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। आपने तो इस खेल में महारत हासिल कर रखी है, और मैं तो अभी खेल खेलना सीख रही हूं। और मेरा मानना यह है कि खेल में मात खाने के बाद ही महारत हासिल की जा सकती है। मात खाना तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं, और देवयानी चौधरी ने आज तक मात ही मात दी है। आज तक हमने जो भी दांव खेला है कभी खाली नहीं गया। ये सब बातें आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आप अब तक हर बाजी जीतती आई हैं।
हार का स्वाद अभी तक आपने चखा नहीं और ना ही कभी हार देखूंगी। इसे मैंने तुम जैसे लोगों के लिए रख छोड़ा है। ये तो खेल के अंत में ही पता चलेगा कि कौन हारता है और कौन जीतता है। फिलहाल बिसात तो बिछा दी है तकदीर ने आपके लिए। अब आप चाहें या ना चाहें, खेल तो आपको खेलना पड़ेगा। हाँ, हिस्सा तो हम बन ही चुके हैं इस बिसात के, और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कौन प्यादा है और कौन राजा। फिलहाल वक्त तुम्हारा है और बाजी भी तुम्हारे हाथ में। वक्त मेरा है, मेरा था और मेरा ही रहेगा, क्योंकि आपका वक्त बीत चुका है। चल भाई, फटाफट एक पटियाला बैग और ले आ जा। आपने सात पैक पहले ले लिए, पहले उनका बिल क्लियर कीजिए। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे हम पहली बार तेरे यहाँ पीने आए हूँ। आप रोजाना यहाँ आते हैं, इसीलिए सात पैक पहले ही उधार दे चुका हूँ। पहले उसका पेमेंट क्लियर कीजिए, बाद में जितनी चाहे ले लो। कैसी बात कर रहा है, ऐसे बोल रहा है जैसे हमारे जेब में पीसे ना हो और यहाँ पीने आ गए हो। मैंने ऐसा तो नहीं बोला, बस पहला पेमेंट क्लियर कीजिए। चल यो भी ठीक है। एक काम कर, यो रख ले। ये रेस्टोरेंट है, कोई सुनार की दुकान नहीं जहां तुम सोना बेचने आए हो। क्या पता चोरी का ही हो। अबे चोरी का ना है यो, हमारा अपना माल है, हमारा अपना, हाँ समझो। देखो सर, ये ऐसा नहीं कर सकते, गलत है। आप कुछ बोल लगा सर। यार छोड़ो, छोड़िए भाई साहब, दे दो ना एक पैक मांगने ला दो, बिल चाहिए मेरे बिल में ऐड कर दो जा। अरे भाई साहब शाबाश, भाई बैठो बैठो, कहाँ जा रहे हैं? बैठो बैठो, कहाँ जा रहे? तुम तो बहुत बढ़िया आदमी हो भाई साहब। भाई वाह भाई साहब वाह, तुम तो बहुत बढ़िया आदमी हो भाई। थैंक यू वेरी मच। काम करो भाई साहब, ये भाई लो तुम रख लो, इसकी जरूरत नहीं है। भाई मैं फोकट के कभी नहीं पीता, ये तुम रख लो, जब मेरे पास पैसे आगे मैं अपने आप छुड़ा लूंगा। बिल चुकाने के पैसे तो तुम्हारे पास है नहीं, इसे कहां से छुड़ाओगे? अरे मेरी करोड़ों की लॉटरी लगने वाली है, करोड़ों की, इसे तो मैं दोस्त चुटकी बजाते ही छुड़ा लूंगा। पर रख लो सर। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। करोड़ों की लॉटरी लगने वाली है, पीने के बाद हर बेवड़े की ऐसी ही लॉटरी लगती है। अच्छी नहीं हूँ। क्यों? तुम जो आने वाले हो और जब तक तुम नहीं आ जाते, आंखों के साथ साथ मेरा दिल भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हर आहट पर चौंक जाती हूँ कि शायद तुम आए हो। जानती हूँ कि तुम नहीं हो, फिर भी दौड़ कर जाती हूँ ये देखने के लिए कि ये तुम नहीं, मेरा वहम ही है। तुम चिंता नहीं करो, मैं कल आकर तुम्हारे सारे वहम दूर कर दूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अच्छा सुनो, कोद भराई की सारी तैयारियां कर लेना। नहीं, दाई अम्मा कह रही हैं कि जब तुम आओगे तभी सारी तैयारियां करेंगी, तुम अगर नहीं आए तो। अच्छा जी, मतलब मुझ पर भरोसा नहीं है आपको? मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा है, पर दाई अम्मा को नहीं है। शादी तुमने की है ना मुझसे, मेरी अर्धांगिनी तुम हो। प्यार मैंने तुमसे किया है, किसी और से नहीं। और फिर बिना भरोसे के रिश्ता कैसा? साहिल, तुम सिर्फ मेरा भरोसा नहीं बल्कि मेरा जीवन हो, मेरा विश्वास हो,
पर तुम्हारे प्रति मेरा यह अटूट विश्वास कभी टूट ही नहीं सकता, चाहे जैसे भी हालात हो। जी चाह रहा है कि मेरे पंख लग जाए और मैं अभी इसी वक्त उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। कितने दिन हो गए साहिल, तुम्हें देखा तक नहीं। आई एम मिसिंग यू बैडली। तुम बेफिक्र रहो तनु, कल जब सुबह तुम उठोगी तो सबसे पहले मुझे अपने सामने पाओगी। इसलिए अभी जल्दी सो जाओ, क्योंकि सुबह मुझसे मुलाकात भी करनी है और फिर मैं भी जल्दी सो जाऊंगा कल तुमसे मिलने के लिए। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। चाह रहा है कि मेरे पंख लग जाए और मैं अभी इसी वक्त उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। कितने दिन हो गए साहिल, तुम्हें देखा तक नहीं। आई एम मिसिंग यू बैडली। कल मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा तनु। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें पहले बहुत हर्ट किया है। लेकिन अब आगे से ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हें शायद पता नहीं तनु, लेकिन इस घर में तुम्हारे बिना हर चीज सुनी सुनी सी लगती है। तुम इस घर में होती है तो न जाने कैसे, लेकिन हर बेजान चीज में भी जान आ जाती है। इस घर की हर चीज तुम्हें मिस कर रही था ना। I'm missing you too.